जिला गिरिडीह प्रखंड जमुआ के अंतर्गत नौडीहा पंचायत के उच्च विद्यालय में 500 बच्चों में मात्र दो टीचर रहने के कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। बच्चों का कहना है कि टीचर नहीं होने के कारण हमें हमारी सभी विषय की पढ़ाई नहीं होती है और हमें ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। स्कूल में खेल के मैदान, लैट्रिन बाथरूम नहीं होने के कारण उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसा ही होगा तो क्या होगा भारत के बच्चों का? मेरे स्कूल में शिक्षकों की घोर कमी है। मात्र एक शिक्षक श्री मनोज रजक जी हैं और एक लिपिक विकास कुमार सिन्हा जी और एक ही आदेशपाल सुरेश प्रसाद। ऐसी स्थिति में जबकि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या 500 है और लगभग 250 छात्राएं पढ़ती हैं और सभी विषयों की पढ़ाई तो होना दुर्लभ है। हमारे यहाँ पोस्ट सेंक्शन है 10 शिक्षकों की और उसमें एक प्रधानाध्यापक की, जिसमें एक ही शिक्षक हैं, तो ऐसी स्थिति में विषयवार पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर विद्यालय की बाउंड्री भी नहीं है, जिस जो ही पेड़ पौधा लगाते हैं सब जानवर आकर उसको चर जाते हैं। फिर शौचालय की भी समस्या है, लगभग 250 छात्राएँ पढ़ती हैं और यहाँ शौचालय नहीं दिया गया है, किसी भी फंड व्यवस्था नहीं आया है सरकार से कि उसको शौचालय को बनाया जाए। हमारे यहाँ से हमेशा सरकार को रिपोर्ट जाता है, सरकार भी रिपोर्ट मांगती है कि कितने शिक्षक हैं और क्या समस्याएं हैं, सब भेजिए। तो हम लोग सब उसको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में बना करके देते हैं, हमेशा देते रहते हैं। शिक्षकों की घोर कमी है, वो देते हैं विषय वाइज शिक्षक का डिमांड करते हैं, फिर भी आज तक इस पर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। नौडीहा उच्च विद्यालय में टीचर की कमी होने के कारण यहाँ के बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही। अगर ऐसा ही होगा तो उनका भविष्य बिगड़ जाएगा। मैं वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से अपील करती हूँ कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ग्रेडी 06-3532-43 पर फोन कर दबाव दें ताकि इस स्कूल में शिक्षक दी जाए, साथ में खेल के मैदान, जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो सके। मैं बिना भारती, जिला गिरिडीह, झारखंड, इंडिया, अनहद के लिए।